हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में लेट अस सपोज ये कार्ट जिसका मास बड़ा एम, ये हॉर्स जिसका मास छोटा एम, रस्सी से बांध रखा है तो टेंशन टी एन टी, कार्ट आगे जाएगा तो फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी। घोड़ा जब चलता है तो घोड़ा खड़ा होकर नहीं चल सकता कि मैं तो खड़ा हूँ मैं चलूँगा, मैं भी चल सकता ऐसे तो यार, तो मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या, वेट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम जी, कैसे चलूँगा? तो चलने के लिए मेरे को थोड़ा सा आगे की तरफ होना पड़ेगा और नीचे ग्राउंड को पीछे पुश करना पड़ेगा। तो घोड़े का भी ऐसा ही है, घोड़ा पीछे पैर तो करेगा ही ना, तो पीछे पैर करेगा ज़मीन पर क्या लगाएगा? फोर्स। तो बदले में ज़मीन उसको क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो जब घोड़ा चलता है तो नॉर्मल रिएक्शन टेढ़ा लगता है क्योंकि उसके पैर टेढ़े हैं, पीछे की तरफ है, एंगल पे होते हैं, क्लियर है? जब खड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, जब भाग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन पीछे है। तो नॉर्मल रिएक्शन ये रहा। नॉर्मल रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक अगर डिवाइड किया जाए वर्टिकल कॉम्पोनेंट और एक डिवाइड किया जाए तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर मेरे से कॉन्सेप्चुअली एक लाइन में पूछोगे कि घोड़ा कार्ट को कब खींचेगा, तो मैं थ्योरी में ये बता सकता हूँ, टी और टी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कॉम्पोनेंट वेट को कैंसिल कर लेगा, तो एक फोर्स बची एच, एक बची एफ। तो अगर एच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ी है, यानी कि घोड़े की हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन की फोर्स से बड़ी है, ओवरकम कर गया फ्रिक्शन, फिर तो कार्ट चलेगा, और अगर नहीं कर पाया कार्ट नहीं चलेगा। पर इस चीज़ को मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे? मान लो हॉर्स और कार्ट एक्सलरेट कर रहे हैं विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी इस हॉर्स के लिए? आगे की फोर्स क्या है? एच। पीछे की फोर्स क्या है? टी। तो नेट फोर्स क्या है? एच माइनस टी। तो एच माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? एच माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है टी माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू ए। तो टी माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू ए, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ये रही। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो पहली इक्वेशन h माइनस टी, दूसरी इक्वेशन कार्ट के लिए, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो t से t क्या हो गया? कैंसिल। कैंसिल करके ये टर्म आ गई, सॉल्व करके क्या आ गई? एक्सेलरेशन। अगर आप चाहते हैं घोड़ा दौड़े, एक्सेलरेट करे, तो उस केस में a को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। ऑब्वियस जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव। पॉजिटिव तब होगा जब ये टर्म भी क्या होगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर h माइनस एफ पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो, तो h ग्रेटर देन क्या आएगा? f। आंसर क्या? ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने एक लाइन में वैसे ही बता दिया था, अगर h f से बड़ा होगा तो घोड़ा दौड़ेगा, पर मैथमेटिकली मैंने प्रूव कर दिया कि अगर दो इक्वेशंस बनाएं और h अगर f से बड़ा है तो हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल कर सकता है।